पत्रकारों से बात करते हुए रफीक खान ने कहा कि 4 जुलाई की रात को ट्रक क्रमांक CG7BT6391 से अज्ञात लोगों ने बैटरी की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा पुलिस थाने में की गई, लेकिन आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। जी बरेली मुंडी माई, हम लोग 4 तारीख को जाकर के थाने में आवेदन दिए FIR के लिए जी। तो कल से देख रहे हैं कि अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी गाड़ी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई, जिसमें से 4 तारीख को रात्रि 2 से 3 बजे के बीच में चोरी की गई है। 1 बजे तो ऐसे किसी उस समय में चोरी नहीं हुई थी। ये चोरी रात में हुई थी, दिन में? रात में हुई, रात में चोरी हुई गई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जिसमें से वो लोगों सामान लेकर के आए थे और उधर ड्राइवर साइड से तारा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में गाड़ी में घुसे और कंडक्टर साइड का दरवाज़ा खोले और अंदर में डिक्की थी। डिक्की खोल करके दोनों बैटरियों को खोल लिया गया, 12-12 वोल्ट की बैटरियाँ और बैटरी को ले जा लिया गया। आज हमारे काम धंधे टोटल बंद है, आज बहुत परेशानी, हमको माल नहीं मिल रहा है और ऐसी हमारे को बहुत समस्याओं का दिक्कत जा रही है अपनी ज़िंदगी यापन करने में। इसके पहले और भी गाड़ियों की बैटरी ये और भी कई बार चोरी गए हैं, जिसमें से अभी मुंडी माई में एक कार को आग लगा दिए थे और 3 बाइक भी कॉलोनी में आग लगाए, जिसमें से हीरापुर से भी कुछ बैटरियाँ गई है। ये अज्ञात अपराधी जो है कई दिनों से ऐसे वारदात दे रहे हैं, जिसमें से अभी तक के पकड़ में नहीं आए हैं। हमारी गाड़ी थाने से 200 फीट दूरी में, उनको प्रशासन का डर नहीं है कि हमें पकड़े जाए या किसी भी तरह का कोई डर नहीं है उनको, क्योंकि अभी तक पकड़ाए नहीं है। हम शासन से गुहार लगाते हैं कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि और कोई बड़ा हादसा ना होए। जैसे यहाँ पे दुकान वगैरह हैं, उनको भी काफ़ी डर है, रात रात भर लड़के घूमते हैं। हमारी थाने की गाड़ियाँ भी पेट्रोलिंग कर रही हैं, मगर फिर भी अपराधी को नहीं पकड़ पा रही। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।